आपने टीवी पर वो एड देखा है, भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं है। हाँ, उस एड की तरह एक सवाल आरसीबी के फैंस के मन में है कि भैया आरसीबी जीतती क्यों नहीं है। 16 सीजन हो गए हैं, मतलब राहुल द्रविड़ के जमाने से लेकर रॉबिन उथप्पा, गेल, डिविलियर्स, राहुल से लेकर फिलहाल विराट, फाफ, मैक्सवेल तक आ गए, लेकिन ये टीम जीत क्यों नहीं रही, कौन सी कमी रह जाती है। इस सीजन भी फाफ डुप्लेसी रनों का अंबार लगाए बैठे हैं, सिराज सी गेंदें आग उगल रही थी, मैक्सवेल का बल्ला जोश में बोला था और विराट के तो क्या ही कहने, लेकिन आरसीबी की हार ने ये सवाल खड़ा कर दिया। तो एक सवाल तो ये है, दूसरा सवाल एक बवाल शुरू हो गया है और वो बवाल शुरू हुआ है असली किंग कौन, कौन जैसे होता नहीं मुंबई में किंग कौन भिकू मात्रे, ऐसे ही आगे क्रिकेट का असली किंग कौन, पाकिस्तान वाले बाबर आजम कहते हैं, इंडिया में चलता था कि भाई द रियल किंग इज ओनली विराट कोहली, मोहम्मद आमिर ने भी कहा यार 82 शतक जिसने मारे वो असली किंग है। लेकिन लखनऊ की टीम ने एक ट्वीट कर दिया, लखनऊ सुपर जायंट से एक ट्वीट हुआ कि प्रिंस सच में ही इज ऑलरेडी अ किंग, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये मान रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि यार गुरु असली किंग जो है वो शुभमन गिल है। तो हमको लगा कि दोनों पर बात कर लेते हैं आप लोगों से कि असली किंग कौन, क्यों कहा जा रहा है, कहां कहा जा रहा है और इसके मायने क्या हैं। और दूसरा सवाल जो आरसीबी वालों से भी पूछा गया कि बाबू बाकी सब तो ठीक है, जरा ये बताओ जीतते क्यों नहीं हो, कब क्यों नहीं आता। उस मैच ये सवाल जो है ये संजय बांगर से पूछा गया कि सर बाकी सब ठीक है आप लोग जो कह रहे हैं, लेकिन एक दो सीजन, चार सीजन, छह सीजन, आठ सीजन समझ में आता है, लेकिन आईपीएल इतिहास में एक भी सीजन में आपकी टीम कप क्यों नहीं जीत पाई, ये आपको नहीं लगता कि ये सवाल आपको सोचना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट आपका बहुत नहीं बदला है मैनेजमेंट में और विराट वही हैं, कई सारे लोग हैं, तो फिर इतना बड़ा ब्रांड होने के बावजूद आप लोग जीत क्यों नहीं पा रहे हैं, क्या कहां कमी रह जा रही है प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में। हालांकि सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग हैं जो इसको लेकर ट्रोल भी कर रहे हैं कि यार अगर चार लोग को ही लेके खेलना रहता है तो फिर क्रिकेट क्यों खेलते हो, लूडो बना दो। मतलब उनका ये मानना था कि विराट की टीम में केवल चार पांच खिलाड़ी हैं जो खेलते हैं, हालांकि ये सच भी काफी हद तक है कि केजीएफ के अलावा सिराज को जोड़ लीजिए तो यही चार खिलाड़ी हैं जो कंसिस्टेंट हैं और हर मैच में खेलते हैं, बाकी कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है उससे पता नहीं लगता, और इसीलिए बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि लूडो खेल लीजिए। लेकिन संजय बांगर ने इन तमाम ट्रोलर्स को और तमाम लोगों से कहा कि मुझे नहीं पता कि आप लोग सीजन कैसे देखते हैं, हमने 14 मैच 14 पॉइंट पर फिनिश किया, बीते 3 सीजन से लगातार हम प्लेऑफ में जगह बना रहे हैं, जो बता रहा है कि हम अच्छा कर रहे हैं, इस सीजन भी हम ऑलमोस्ट पहुंच गए थे, अगर शुभमन गिल ने वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पारी ना खेली होती तो हम कंसिस्टेंट तो हैं बीते 3-4 सीजन से जो अच्छा है, लेकिन हमें भी नहीं पता यार कि वो कौन सा एक्स फैक्टर है जिसकी वजह से हम नहीं जा पा रहे, हालांकि फैन सपोर्ट जो है वो हमारा बहुत बड़ा है और वो अनमैचेबल है, उसके लिए हम शुक्रगुजार। हालांकि मुझे लगता है कि सवाल में ही उनका जवाब है, जब वो कहते हैं कि यार फाफ ने अच्छा खेला, मैक्सवेल ने अच्छा खेला, सिराज ने अच्छा किया, विराट आउटस्टैंडिंग थे, तो उसमें जवाब मिल जाता है कि आप केवल चार खिलाड़ियों पर निर्भर हैं, 5 खिलाड़ियों पर, और ये हमने पहले भी देखा है, डिविलियर्स और विराट मैच जिता दिया करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि आरसीबी की तरफ से विराट कोहली के अलावा एक भी बल्लेबाज ऐसा नहीं है इंडियन जिसने 1000 रन बनाए, और ये अपने आप में डिफरेंस बताने के लिए काफी है कि एक खिलाड़ी 7,500 रन बना ले गया और बाकी खिलाड़ी जो हैं वो नहीं खेल पाए, और इनमें से कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने बाद में अलग अलग टीमों में बहुत रन बनाए, जैसे मयंक अग्रवाल यहीं से आते हैं, केएल राहुल जो हैं वो यहां से निकले हैं, पडिकल को भी लाए थे, वो भी अच्छा एक सीजन खेले थे, फिर अगले सीजन वो बाहर हो गए। तो क्या खिलाड़ियों को बैक ना करना, हर सीजन में नए खिलाड़ी ट्राई करना, मीडियोकर्स पर ज्यादा इन्वेस्ट करना, मसलन इस साल भी देखिए चहल जो हैं वो टॉप विकेट टेकर हैं, लेकिन आपने यजवेंद्र चहल को रिटेन नहीं किया था, और यजवेंद्र चहल और आरसीबी भी एक दूसरे के पर्याय थे, उनकी जगह आपने हसरंगा को रिटेन किया, हसरंगा आपके इस लिस्ट में है ही नहीं, आखिर के मैचेस में आपने ब्रिसवेल को खिलाया, तो मुझे लगता है कि खिलाड़ियों पर बहुत ज्यादा भरोसा ना जता पाना ये एक बड़ी वजह थी, लेकिन वजह क्या रही हो, तो बाहर हो गए, और बाहर होने के साथ ही वो सवाल जो है वो सोशल मीडिया पर इस वक्त चारों तरफ फैला हुआ है कि गुरु क्रिकेट का असली किंग कौन, विराट या फिर शुभमन गिल। हालांकि ये किंग और प्रिंस वाली कहानी जो है ये विराट कोहली के प्रशंसकों को समझ में नहीं आ रही है, उनका दिमाग का माथा सूज गया, एक तरफ तो वो नवीन उलग को गाली दे रहे हैं, खुलकर गाली दे रहे हैं और लखनऊ से डिमांड भी कर रहे हैं कि यार इस आदमी को निकाल दो। नवीन उलग ने जो पोस्ट किया था जिसमें वो एक हंसने वाला वीडियो डाल दिया था और उसको लेकर काफी ज्यादा कांड चल रहा है। नवीन मतलब क्या कहा जाए यार, जले पर नमक छिड़कना, नवीन भी एकदम लग रहा अति पे चले गए हैं, थोड़ा सा लिहाज तो उन्हें भी रखना चाहिए क्योंकि अब खेलना तो इंडिया में ही है।
और अगर इंडिया में खेलना है तो इतना ज्यादा कांड मत कर लीजिए कि यार आपको परफॉर्मेंस भी, क्योंकि उनकी गिर रही है, तो ऐसा ना हो कि आप अनटचेबल हो जाएं, क्योंकि अफगानिस्तान की ओडीआई टीम में भी उन्हें शामिल नहीं किया गया, उसको लेकर तर्क आया कि नवीन खुद ही नहीं खेलना चाह रहे थे, काफी टाइम से उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर रखा था, लेकिन अफगानिस्तान बोर्ड ने भी उस मामले का संज्ञान लिया था। और बार बार मैं कह रहा हूं कि विराट कोहली इज अ बिग मैन, विराट कोहली बीसीसीआई को रिप्रेजेंट करते हैं, और ऑन फील्ड एक मैच में हो जाना ठीक है, हर बार करना थोड़ा कांडी हो जाएगा। लेकिन शुभमन को लेकर बवाल चल रहा है, शुभमन को नहीं छोड़ा है विराट के फैंस ने। किसी ने लिखा कि यार रन चेज अगेन पाकिस्तान इन टी20 कप वर्ल्ड कप इन ऑस्ट्रेलिया, वो असली किंग था जब विराट ने शाहीन अफरीदी या फिर हारिस रौफ को मारा था, उसको असली किंग कहते हैं। किसी ने लिखा कि वर्ल्ड कप आ रहा है, फिर देखेंगे कौन हीरो है कौन किंग है, सब निकल आएगा इंटरनेशनल बॉलर्स जब आएंगे। किसी ने कहा WTC आ रहा है, वहां पर देख लेंगे असली किंग कौन है। फिर किसी ने कहा कि यार किंग तो एक ही था और एक ही हमेशा रहेगा, बाकी नाम बदलते रहो, उसका नाम विराट कोहली है। कोई एक जनाब तो उन्होंने लिख दिया कि यार देखो आईपीएल की परफॉर्मेंस जो है वो उसे सुपरस्टार बना देगी, लेकिन किंग की परिभाषा जो है वो अलग है, और किंग काफी परफॉर्मेंस के बाद आए, इतने साल विराट की सर्विस के बाद उन्हें हमने किंग कहा है। ये बात बिल्कुल सच है कि विराट कोहली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हैं, लेकिन ये भी सच है कि जिस जमाने में तेंडुलकर थे उस जमाने में लगता था तेंडुलकर से बढ़कर कोई नहीं है, और तेंडुलकर के बाद विराट आए तो विराट ने उस लेगेसी को आगे बढ़ाया। अब शुभमन जो है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे तेंडुलकर के साथ विराट ने आगे बढ़ाया था, उसी लेगेसी को आगे बढ़ाने वाले हैं, और लेट्स जस्ट होप कि इट्स गुड फॉर इंडियन क्रिकेट। मतलब अगर आप लोग 5 मिनट के लिए आरसीबी और ये सब हटा के देखें तो आप सोचिए ना WTC फाइनल के लिए हमारे पास कितने अच्छे पोटेंशियल हैं, शुभमन गिल और विराट कोहली जैसे लोग जो फॉर्म में आ चुके हैं, रोहित शर्मा भी फॉर्म में आ चुके हैं, कमाल की मतलब हमारी टीम वहां बन सकती है, सिराज और समी जो हैं वो क्या बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। तो WTC के लिहाज से मुझे लगता है कि जिनका सिलेक्शन जो मेन प्लेयर हैं वो बहुत लदा फॉर्म में, और काफी कमाल की चीज़ है। हालांकि लखनऊ की टीम जिसने ये थोड़ी सी चिंगारी लगाई थी, इसने बाद में विराट को लेकर भी एक पोस्ट किया और लिखा कि ये वो आदमी है जिसने हमें 2 मैचेस में घुटने पर ला दिया था, और एन एब्सोल्यूट फोर्स ऑफ नेचर। उसके बाद नीचे लिखा दी गोट, एक गोट बना दी, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो विराट को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी चिंगारी छेड़ दी थी प्रिंस इज ऑलरेडी अ किंग, तो उस पर काफी कांड जो है वो सोशल मीडिया पर लगातार चल रहा है। हालांकि ये सारे कर्मकांड जो है ये फैंस के बीच में, फ्रेंचाइजी के बीच में, विराट और शुभमन के बीच में नहीं है, शुभमन गिल और विराट कोहली के बीच में एक दूसरे को लेकर रिस्पेक्ट है। शुभमन हर मौके पर कहते हैं कि वो विराट कोहली से इंस्पायर्ड हैं, विराट कोहली उनकी इंस्पिरेशन है, और कई मौके पर उन्होंने कहा भी कि यार अगर 12-13 साल की उम्र में जब मैं खेलना शुरू किया था तो विराट से मैं इंस्पायर होकर आया था, विराट ने ही मुझे वो एनर्जी दी उनको देखकर। और विराट ने भी कल उनके लिए एक पोस्ट लिखा जिसमें लिखा कि देयर्स पोटेंशियल एंड देयर्स गिल, तो एक तरफ प्रतिभा होती है एक तरफ शुभमन गिल होते हैं, गो एंड लीड द नेक्स्ट जनरेशन, जाओ और नई पीढ़ी पर राज करो, गॉड ब्लेस यू शुभमन गिल, फिर स्टार बना दिया। तो विराट कोहली ने भी अपने अंदाज में तारीफ की है, मैच के बाद आकर उनके गले भी लगे, वो काफी ज्यादा वो ट्रेंड कर रहे थे शुभमन गिल के साथ। शुभमन सिंह, मुझे याद है एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि आपको अगर 3 लोग को डिनर पे ले जाना तो कौन कौन होंगे, तो उन्होंने कहा कि विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और विवियन रिचर्ड्स। लेकिन ये तो मार्क ऑफ रिस्पेक्ट है, लेकिन शुभमन की पारी नो डाउट आउटस्टैंडिंग थी, आरसीबी का सपना तोड़ा। लेकिन फिर वही है कि आरसीबी को लेकर जो पहला जोक था जिसमें कहा गया था कि भाई 4 खिलाड़ी के साथ खेलना तो लूडो खेल लो, क्या आपको लगता है कि कंप्लीट टीम ना होना एक बहुत बड़ी वजह है कि आरसीबी हर साल अच्छा खेलने के बावजूद बाहर जाती है? इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी होती है लेकिन एज अ टीम वो उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। और दूसरा ये सवाल कि क्या किंग और प्रिंस की तुलना हो सकती है, या आपको लगता है कि ये सब कोरी बातें हैं माहौल बनाने की, या विराट अलग है शुभमन अलग, क्या सोचते हैं?